इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंट्रा अकाउंट के बारे में बताऊंगा। कंट्रा का जो मतलब है, इसका मतलब है अपोजिट, यानी कि ऐसे अकाउंट जिनका अपोजिट जो होता है बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल ये एसेट भी हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं। एसेट जो होता है, एक एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और इसी तरह जो लायबिलिटी होती है उसका एक नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, और इसी तरह इक्विटी के जो होती है, यानी कि इक्विटी के जितने भी अकाउंट होते हैं उनका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो भी क्रेडिट होता है। अगर एसेट का कंट्रा एसेट अकाउंट होगा तो उसका जो अपोजिट बैलेंस होगा वो यहाँ पर होगा, यानी कि क्रेडिट साइड पे होगा। ये मैं इसको कह देता हूँ जी, ये कंट्रा एसेट है। और इसी तरीके से अगर वो कंट्रा लायबिलिटी होगी तो इसको मैंने सी ए और एल लिख दिया ताकि कंट्रा एसेट लायबिलिटी। आई थिंक ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, इसको कुछ और नाम दे देते हैं कि कंट्रा लायबिलिटी ही कह देते हैं। तो इसका जो बैलेंस होगा वो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, और इसी तरह जो इक्विटी होगी उसका भी यहाँ पे डेबिट होगा अगर ये कंट्रा इक्विटी होगी तो। अब इन अकाउंट में असल में होता क्या है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्क्रीन को, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के असल में ये कंट्रा अकाउंट का इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल है, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे इसका जो बैलेंस है हमारे पास वो 100 है, और इसका जो एक कंट्रा अकाउंट है वो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ये 10 है। अब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का और इसका, तो नेट जो रिसीवेबल आएंगे वो हमारे पास 100 माइनस 10 होकर आएंगे, और ये हमारे पास 90 आ जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग बैलेंस शीट पे कुछ इस अंदाज में शो करते हैं। हम लोग यहाँ पे नेट रिसीवेबल लिख लेंगे 100, यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, वो हम लोग उसको लेस कर देंगे, यूं ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब लेस करना है, और इसका जो नेट अमाउंट है वो उसको हम लोग 90 लिख देंगे। अब हम इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि और एसेट की एग्जांपल से, वो है हमारे पास कोई भी फिक्स एसेट हो, यानी कि जिन फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, हम लोग इसको कह देते हैं जी 1000 है, एग्जांपल के तौर पे बोला है, वरना इतनी जो होती है सस्ती बिल्डिंग आज तक होती नहीं है, लेकिन इसको ईजी रखने के लिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है। लेकिन बिल्डिंग आपको पता है कि हमारे पास डिप्रिसिएशन भी होती है, डिप्रिसिएशन का एक दूसरा अकाउंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है कुमुलेटेड डिप्रिसिएशन। जो कुमुलेटेड डिप्रिसिएशन का यहाँ पे हम मैं कह देता हूँ ये 100 का है कुमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, जो इनका नेट इफेक्ट आएगा इन दोनों अकाउंट का वो हमारे पास आ जाएगा 900। तो नेट बिल्डिंग जो हम लोग चार्ज करेंगे वो हम लोग 900 बैलेंस शीट पे शो करेंगे। अब ये 900 इसलिए शो किया क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट था वो बिल्डिंग का कंट्रा अकाउंट है, इसको मैंने इसमें से लेस करके फिर इसको हम लोग शो करते हैं। इस तरह हम लोग यानी कि बैलेंस शीट पे बिल्डिंग लिखते हैं हम लोग,
यानी कि 1000 लेस कर देंगे इसमें से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जब हम लेस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 900। अच्छा इसके ये तो होंगे एसेट्स की एग्जांपल्स। हम लोग लाइबिलिटीज और इक्विटीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। चलिए यहाँ पे मैं लाइबिलिटी के लिहाज से इस कंट्रा एसेट को एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास नोट पेबल है, सॉरी इसके ज़रा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया है ये हमारे पास है जी लेट्स से 700 का। अब हमें यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर डिस्काउंट ऑन लाइबिलिटी ये हमें मिला है, इसको ऐसे लिख देते हैं फिलहाल समझाने के लिए। तो इसका मैं कहता हूँ ये 10 है, तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा 690 आ जाएगा, जो हम लोग नोट नेट नोट पेबल को चार्ज करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग इक्विटी को देख लेते हैं। इक्विटी में हम लोग कहते हैं जी हमारे पास कॉमन स्टॉक है, और ये हमारे पास है जी 800 का मैं बोल देता हूँ। और हमने कुछ शेयर बायबैक किए हैं जिसको हमने स्टॉक का नाम दिया है, ये मैं कहता हूँ 100 हमने बाय किए हैं। तो ये जो ट्रेडी स्टॉक है ये एज आ इसका कॉमन स्टॉक के अंदर एज आ कंट्रा अकाउंट ही यूज हो रहा है। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमारा 700 हम लोग चार्ज करेंगे। इसी वजह से जो ट्रेडी स्टॉक है उसको हम लोग लेस करके ही लेके जा रहे होते हैं। अच्छा इस पूरी चीज़ को समझाने का मतलब ये है कि कंट्रा जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब है अपोजिट। अगर वो एसेट में होगा तो ऐसे डेबिट बैलेंस में होता है तो कंट्रा जो उसका एसेट का अकाउंट होगा उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर वो लाइबिलिटी में होगा तो लाइबिलिटी आपको पता है नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो उसकी कंट्रा लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट होगा। इस तरह जो इक्विटी के अकाउंट में होगा तो इक्विटी आर का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो इक्विटी का जो कंट्रा अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई इस कंसेप्ट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी कोई मसला है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।